हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल बिलीव इन लर्निंग। आज हम लोग हमारे अकाउंट सब्जेक्ट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, कैश अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप जाके वो वीडियोज़ देखिए, क्योंकि आप वो वीडियोज़ देखेंगे तभी आपको ये क्वेश्चंस समझ में आएंगे। मैंने पार्ट वाइज में सबको डिस्क्राइब किया है, एक बार जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी हुई है। बाकी हम लोगों की लाइव क्लासेस गूगल मीट पर चलती हैं, जहाँ पर हम आप लोगों को प्रॉपर नोट प्रोवाइड कराते हैं, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं। आपके हर सब्जेक्ट का, कॉमर्स सब्जेक्ट का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो रहा है, बच्चे अपना कोर्स कर ही रहे हैं। आप भी अगर अपना कोर्स ऐसे ही कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर करिए, नीचे लिंक दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो HM पब्लिकेशन बुक जो है उसमें का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है पहले से ही, न्यूमेरिकल नंबर 15 है। बुक कौन सी है आपकी? HM पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपका पेज नंबर क्या है? 59 है। ठीक है, आपको बुक में क्या बोल, आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रखा है? द फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट गीता मीता, यानी कि इसमें गीता और मीता दोनों क्या है? पार्टनर से पहले से। हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स रेशियो 2:3, 2/3 एंड 1/3, यानी कि ये लोग अपना रेशियो किस में बदल, इनका जो रेशियो है गीता का, गीता और मीता का जो रेशियो है 2:1 है। क्या रेशियो दे रखा है? 2:1 में ये लोग पार्टनर्स थे। ठीक, फिर आपके बुक में आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 98,850, कैपिटल आपको गीता का दे रखा है 45,000 और मीता का दे रखा है 30,000। फिर आपके एसेट साइड में आप आओगे तो आपको कैश मिलेगा 1,800, सन्ड्री डेटर्स मिलेंगे 14,550, स्टॉक मिलेगा 30,000 और प्लांट एंड मशीनरी है 52,500 और आपकी बिल्डिंग है 75,000। टोटल अमाउंट आपका आएगा 1,73,850। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट दे रखा है क्या? दे एग्री, यानी कि गीता और मीता एग्री हुए थे किस चीज़ पर? टू एडमिट सीता इन पार्टनरशिप। ठीक, और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे हैं क्या? देखिए, सीता वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि सीता जो हमारी आ रही है वो किस शेयर के लिए आ रही है? हमारी जो सीता है वो 1/3 शेयर के लिए आ रही है। ठीक, जब हमें रेशियो, जब हमें हमारे नए पार्टनर का शेयरिंग रेशियो पता रहता है तो वो कौन सा केस हो जाता है हमारा? केस नंबर 1, जिसमें हमारा सेक्रीफाइस रेशियो ही हमारा ओल्ड रेशियो होता है। ठीक है, मतलब हमारा ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो होता है। ठीक, आपको क्या बता रखा है इसमें कि सीता जो आई है वो कितनी कैपिटल लेकर आई है? 22,500 एज अ कैश लेकर आई है, कैश के फॉर्म में, और गुडविल भी कैश में लेकर आई है कितनी? 9,000। ठीक, और आपको एक और एडजस्टमेंट दे रखी है कि आपकी जो स्टॉक है, आप पॉइंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, आपकी जो स्टॉक है और प्लांट एंड मशीनरी है वो रिड्यूस हो रही है कितने परसेंट से? 10% से। ठीक, फिर आपको थर्ड एडजस्टमेंट दे रखी है दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वॉज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि हमारे जो डेटर्स हैं, हमारे जितने भी डेटर्स हैं उनके ऊपर एक प्रोविजन बनाया गया है 5% का। कितने परसेंट का? 5% का प्रोविजन बनाया है। दैट द, फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 20%, यानी कि हमारी जो बिल्डिंग है वो 20% से अप्रिशिएट हो रही है। ठीक, फिर आपको एक और एडजस्टमेंट दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट वर्थ, जो इन्वेस्टमेंट है जिसकी कीमत कितनी है? 2100 रुपये है। वो बैलेंस शीट में तो आपको मेंशन नहीं है, लेकिन ये हमारी अकाउंट में शो होनी है, वर्थ टू बी टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक, फिर आपको आपका छठा एडजस्टमेंट दे रखा है
दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय द पार्टनर्स, यानी कि जो भी गुडविल का अमाउंट आता है वो हमारे पार्टनर्स क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, यानी कि अपने फॉर्म में से निकाल लेंगे अपने अकाउंट में से। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें पता है सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम वही चीज़ें दिखाते हैं जो हमें एडजस्टमेंट में दे रखी होती हैं, जो भी हमारे एसेट से रिलेटेड चीज़ें दे रखी होती हैं। क्या हमें कुछ दे रखा है कि हमारी स्टॉक और प्लांट रिड्यूस हुई है 10% से, ठीक। और क्या मेंशन है कि हमारा जो डेटर्स है उसके ऊपर 5% हमें प्रोविजन निकालना है। और क्या दे रखा है हमको कि हमारी बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट यानी कि बढ़ रही है, तो वो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। और क्या बोल रखा है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में नहीं शो किया गया, लेकिन फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में दिखाना है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर हमारी एसेट्स बैलेंस शीट में अगर हमारी कोई एसेट्स गुम हो जाती है, हमने गलती से नहीं लिखा, ठीक, और बाद में हमें वो एसेट के बारे में पता चलता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक। और दूसरी चीज़, अगर हमारी लायबिलिटी हम गलती से भूल गए बैलेंस शीट में मेंशन करना और बाद में हमें हमारी लायबिलिटी पता चलती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, लॉस होती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊं तो पहले आप क्या किया करो, जितने भी अकाउंट से सबको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। जो चीज़ें जहाँ जानी है पहले उन सबको लिख दो। सबसे पहले हम क्या करें, बैलेंस शीट में क्या क्या जाता है, जितने भी हमें प्रीवियस दे रखा है वही सारी चीज़ें जाती हैं, तो सबकी अमाउंट नेम लिख लीजिए, जैसे क्रेडिटर्स जाता है, ठीक। और क्या जाएगा यहाँ पे, आपका कैपिटल जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस छोड़ के करिएगा कैपिटल। अभी नए पार्टनर भी आया है तो उसकी भी कैपिटल जुड़ेगी, यानी कि आपकी गीता, मीता और आपकी जो ये आई है सीता आई है नए पार्टनर, उसकी भी कैपिटल ऐड होगी, ठीक। इतना आपने लिख लिया। फिर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, आपके एसेट्स में कैश दे रखा है, हाँ ठीक। अभी अमाउंट किसी में मत लिखिए, कैश दे रखा है। फिर सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं, ठीक। स्टॉक दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, ठीक। और आपको क्या दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, ठीक है। अच्छा, हमने बैलेंस शीट का जो अमाउंट जहां जाना था हमने वो चीज वो कर ली, ठीक है। अच्छा, अभी आप बैलेंस शीट अपनी देखोगे अपनी बुक का, तो बैलेंस शीट में जो आपको कैपिटल दे रखी है गीता और मीता की, हमें पता है इनकी जो बैलेंस में, मतलब बैलेंस शीट में जो बैलेंस दे रखा रहता है वो कहाँ पे ब्रॉड डाउन होता है, हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे आप ब्रॉड डाउन कर लो, क्या, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट दे रखा है आपको, आपको कितना अमाउंट दे रखा है, 45,000 गीता का, ये आपकी गीता मीता एंड सीता, 45,000, ठीक। और इनका कितना दे रखा है, 30,000, ठीक है। सीता का भी कोई अमाउंट नहीं दे रखा, हम बैलेंस शीट को ही कर रहे अभी। और हमें पता है हमारी जो एसेट्स में हमको कैश अमाउंट दे रखा है, जब हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें कैश शो करनी रहती है। कितनी हम शो करेंगे, पहले सबसे क्या करते हैं, बैलेंस ब्रॉड डाउन करते हैं। तो कैश अमाउंट आप करोगे ब्रॉड डाउन, क्या, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 1800, ठीक है, इधर कर लिया। यानी कि अब हमारा जो हमारे बैलेंस शीट है उसका काम हमारा ख़त्म हो गया, ठीक। अब हम अपने उसके हिसाब से चलते हैं, हमारी जो भी एडजस्टमेंट दे रखी है। पहला एडजस्टमेंट क्या दे रखा है, सीता वॉज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि सीता हमारे 1/3 शेयर के लिए आई है, ठीक है। और एंड वॉज टू बी ब्रिंग, यानी कि वो 22,500 एज कैपिटल लेकर आई है। तो हमें पता है जब भी हमारा कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है तो वो कहाँ दिखाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे दिखा दीजिए, बाय कैश अकाउंट, कितना, कितनी कैपिटल लेकर आई है,
22,500, ठीक है। और क्या देव बोल रखा है इसने, आपको क्या मेंशन है, हाँ आपको गुडविल दे रखा है, गुडविल आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, गुडविल दे रखा है क्या 9,000 दे रखी है। हमें पता है जितनी भी गुडविल होती है, जो भी गुडविल कैश में आती है, मतलब जो भी गुडविल हमारा नया पार्टनर लेकर आता है, उसको हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे पार्टनर्स कैप, हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स बचते हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो हमें गुडविल कितनी दे रखी है, 9,000 दे रखी है, ठीक। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे गीता और मीता में, है ना। तो गीता और मीता का क्या शेयर है, 2:1। इस रेशियो में आप शेयर करोगे तो इनका सम कितना होता है, 2+1, 3 से पहले डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 3,000 आएगा। अब 3,000 का एक बार अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गीता की अमाउंट निकल के आ जाएगी, और अगर 3,000 का आप अगर 1 से करोगे तो मीता की अमाउंट निकल के चली आएगी। तो आप गीता का अमाउंट कितना लिखोगे, हमारी हम गुडविल कैसे शेयर करते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक। गीता के अकाउंट में कितना जाएगा हमारा, 6,000, और मीता के अकाउंट में 3,000, ठीक। हमारे जो नया पार्टनर है उसको तो कोई शेयर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो खुद लेकर आया है हमारे ओल्ड पार्टनर्स के लिए, तो उनके में शेयर हो गया, ठीक। ये चीज क्लियर। अब आप देखो इसको, अब आपको क्या हो गया, हमारी पहली एडजस्टमेंट क्लियर हो गई, ठीक। सेकंड हमको क्या दे रखा है, सेकंड बोला है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी वर टू बी रिड्यूसेस, यानी कि हमारी स्टॉक हमको कितनी दे रखी है, 30,000 दे रखी है, उसका आप स्टॉक 30,000 है, इसका आप 10% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 3,000 निकल के आएगा। यानी कि ये 3,000 आप कहाँ दिखाओगे, 3,000 आप दिखाओगे यहाँ, हमें लॉस हो रहा है ना, रिड्यूस हो रही है, यानी कि वैल्यू कम हो रही है। तो जब कम हो रहा है वैल्यू, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो वो हमारे लिए लॉस हुआ। लॉस हम कहाँ शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू स्टॉक, कितना अमाउंट है, स्टॉक अकाउंट 3,000। इसी तरीके से आप प्लांट एंड मशीनरी का आप निकालोगे, प्लांट एंड मशीनरी आपको कितनी दे रखी है, 52,500 दे रखी है, 52,500 दे रखी है, इसका आप 10% निकालोगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 5,250, ठीक। ये भी हमारे लिए लॉस है, तो कहाँ दिखाओगे, टू, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना, 5,250, इतना अमाउंट आया, ओके। फिर आपको क्या बोल के रखा है इसने, आपके क्वेश्चन ने, हमारी दो एडजस्टमेंट कंप्लीट, थर्ड एडजस्टमेंट आप देखो, दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि हमारे जो सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं, हमें सन्ड्री डेटर्स कितने दे रखे हैं, हमारे जो डेटर हैं वो कितने दे रखे हैं, 14,550 इतने दे रखे हैं। और क्या बोला गया, इसके ऊपर आपको 5% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन हमारे लिए क्या हो जाता है, अगर हम डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं तो वो हमारे लॉस हो जाता है, क्यों, क्योंकि हम इसलिए प्रोविजन बना रहे हैं कि हमने माना कि 5% जो इतने डेटर्स हैं इनमें से 5% अमाउंट हमको नहीं मिलने वाली है, तो उसका हम पहले से प्रोविजन बना के रखते हैं। तो प्रोविजन आप बनाओगे 5%, तो आपका कितना आएगा, 727.5, ठीक है, 727.5 ये आएगा आपका अमाउंट डेटर्स का प्रोविजन में। तो क्या दिखाओगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं यहाँ पे डेटर्स लिखती हूँ तो पीवीडी लिख रही हूँ, आप लोग लिखिएगा प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स कितना 727.5, ठीक है, इतना अमाउंट आपका आएगा। आप 0.5 को राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 0.5 को हटा के हटा दो, इतना कर सकते हो, यानी कि 2.28 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर आपको क्या करना है, आपको जो चौथी एडजस्टमेंट दे रखी है वो क्या दे रखा है, दैट द बिल्डिंग अकाउंट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। आपकी बिल्डिंग कितनी दे रखी है, 75,000 दे रखी है, उसका 20% आप निकालोगे। बिल्डिंग हमको कितनी दे रखी है, 75,000, इसका 20% निकालो तो आपका कितना निकल के आएगा, 1500, 15,000। यानी कि हमारी बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रही है, यानी कि और ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ गई है। अभी 75,000 की थी, 15,000 उसमें और ऐड करना है, यानी कि 15,000 से इंक्रीज कर रही है। तो 15,000 आपका प्रॉफिट हुआ, आप कहाँ दिखाओगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितने से, 15,000 आप कहाँ दिखाओगे, हमारा इधर साइड क्रेडिट साइड रिवैल्यूशन अकाउंट पे, ठीक। अच्छा, हमको जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, पांचवा, कि इन्वेस्टमेंट जो है 2100 की है वो मेंशन नहीं हुई है बैलेंस शीट में, और उसको मेंशन करना होगा, ठीक है, उसका अकाउंट है तो आप क्या करोगे, उसको मेंशन करोगे। तो हमने कहा कि यहाँ पे मेंशन नहीं हुई बैलेंस शीट में, हमारी प्रीवियस बैलेंस शीट में, तो वो गलती से भूल गए होंगे, नहीं लिखा होगा, लेकिन अकाउंट तो है ही, हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है ना, तो जब हमारी एसेट इंक्रीज करती है तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आप कहाँ दिखाओगे, बाय इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है, 2100, ठीक है, इतना हो गया। बाकी अदर हमको जो दे रखा है क्या, द अमाउंट ऑफ गुडविल वॉज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, जो भी अमाउंट आया है गुडविल का, जो भी अमाउंट हमारे गुडविल का आया है हमारे ओल्ड पार्टनर्स के पास, उन्होंने क्या किया, अपने फर्म में ना रख करके, उस अकाउंट में ना रख करके निकाल लिया, यानी कि विड्रॉ कर लिया। जब विड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो आप क्या मेंशन करोगे, टू गुडविल विड्रॉन, या तो फिर यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फॉर गुडविल अकाउंट कितना विड्रॉ कर रहे हैं ना, गीता कितना कर रही है, पूरा निकाल रही है, 6,000 निकाल रही है, मीता भी अपना 3,000 पूरा का पूरा निकाल रही है, सीता के पास तो सीता को कुछ निकालना ही नहीं है, वो तो अभी अभी एडमिशन ली है अपने फर्म में, ठीक। हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग करनी है। यहाँ पे आप टोटलिंग करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका अमाउंट, 17,100, ठीक, और इधर आपका कितना अमाउंट आ रहा है, इधर का आप टोटल करोगे तो इधर का अमाउंट कितना आएगा आपका, 8,978, यानी कि इससे इतना कम है, तो इसका जो डिफरेंस, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड जब इंक्रीज होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। अब आप पहले इसका डिफरेंस निकालो, 17,100 में से 8,978 माइनस करोगे तो आपका कितना अमाउंट निकल के आएगा, 8,122, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे 8,122, यहाँ पे मेंशन करोगे, यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दोगे 17,100, ठीक।
बट ये जो 8122 आया है इसको आपको क्या करना होगा, ये प्रॉफिट है। हमें पता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स जो होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अब आप क्या करोगे, 8122 जो भी आया है इसको क्या करोगे, 2:1 जो है इसमें क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 3 से। ठीक है, इसको आप जब 3 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका कितना अमाउंट आएगा, पॉइंट में आ रहा है आपका 2707 करके आ रहा है, तो इसको आप 2707 यानी कि अगर हमें पॉइंट में करना है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है हमें पॉइंट में, तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ कर दो, 2707 ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप अमाउंट निकालोगे, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा पॉइंट में, इसका आप अगर 2 से करोगे तो गीता की अमाउंट निकलेगी, और इसी को अगर आप 1 से करोगे तो मीता की अमाउंट निकलेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जब भी हमें प्रॉफिट होता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना कितना आपका है, गीता की जो अमाउंट आएगी और नीता की जो भी अमाउंट आएगी, कितनी कितनी अमाउंट आएगी उसकी, गीता की 5414, और नीता की कितनी आएगी, वही 2707.3 इतनी आएगी। तो आप पॉइंट अगर चाहो तो रिड्यूस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये तो आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही अमाउंट आप कहाँ शो करते हो, हमारे बाय प्रॉफिट हो रहा है ना, और जब भी डेबिट साइड से कोई अमाउंट जाएगी तो क्रेडिट में जाएगी दूसरे अकाउंट के, बाय आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ रहा है आपका, 5414.6, और इसका कितना आ रहा है, 2707 हम लिख रहे हैं यहाँ पे राउंड ऑफ करके। हमें पता है जब 5 पॉइंट्स ऊपर होता तो इसको हम 5 मान लेते हैं, तो कितना आएगा हमारा 54415। ठीक, ये हो गया अमाउंट। ठीक, हमारे ओल्ड पार्टनर, हमारे नए पार्टनर से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब और कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, नहीं, हम इसको अब क्या कर देंगे, यहाँ पे टोटल कर लेंगे। आप यहाँ का क्या करोगे, यहाँ से टोटल करोगे आपका अमाउंट, आप यहाँ से टोटल करोगे तो इसका अमाउंट कितना आएगा, 22,500 आएगा। ठीक, और एम मीता का कितना आ रहा है, 35,707, और गीता का कितना आ रहा है, 56,415। ठीक, इतना अमाउंट आ रहा है। अब इधर आप देखिए, इधर आपको क्या करना है, इधर गीता और मीता में अमाउंट दे रखा, तो यानी कि इतना आपको लेस करके तब अमाउंट लिखोगे, कितना आएगा यहाँ पे, 2 बैलेंस सीडी, 6,000 गीता का है तो यानी कि 6,000 आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50,415। और मीता में से अगर आप, मीता का जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है उसमें से अगर आप 3,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, 32,707। ठीक, और सीता में तो कोई अमाउंट यहाँ पे भी नहीं दे रखी है, तो आप क्या करोगे, उसका वही अमाउंट लिख दोगे, 22,550। ठीक है, सॉरी 500 दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है आपको, 500 दे रखा है, यही टोटल अमाउंट आप यहाँ पे भी मेंशन कर दोगे। ठीक, हमारा ये भी कंप्लीट, वो भी कंप्लीट। अब हमको क्या बोल के रखा है कि हमारी जो कैश है, अब हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक, कैश अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस सीडी जो दे रखा है, गुडविल हमारी कितनी आई है, गुडविल
हमारी कितनी आई है? गुडविल हमारी जितनी भी थी फॉर्म में आई थी उसको क्या कर लिया इन लोगों ने? विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने के बाद तो हमारे पास फॉर्म में तो कुछ बची नहीं गुडविल, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? आपका जो कैश अकाउंट जा रहा है 22,000 टू कितना, टू सीता की अमाउंट है ना, सीताज कैपिटल अकाउंट कितना है 22,500, ठीक है, ये अमाउंट उसकी हो गई। और आपकी जो गुडविल आई थी वो आपके पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक। आप अगर चाहो तो एंट्री करो तो यहाँ पे आपका प्रीमियम ऑफ गुडविल आएगा फिर, लेकिन आपके पार्टनर्स ने यहाँ पे क्या कर लिया है, उसको विड्रॉ कर लिया है, तो फर्म में रही नहीं कैश। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटलिंग कर दो। आपकी टोटल कितना अमाउंट आएगा आपका? इसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे 24,300, यानी कि बाय बैलेंस सीडी कितना 24,300, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें कैश अकाउंट, हमें बैलेंस शीट अब बनानी है, हमारे सारे अकाउंट्स बन गए। क्रेडिटर्स हमको कितने दे रखे थे, क्रेडिटर्स हमारे कितने दे रखे हैं 98,850, ठीक। उसके ऊपर हमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं दे रखा तो हम उसको पूरा पूरा लिखेंगे। कैपिटल कितनी हम लिखते हैं, कैपिटल हमें पता है जो भी इन लोगों का अमाउंट बैलेंस में दे रखा है, कितना कितना दे रखा है 50,415 गीता का, 32,707 मीता का और 22,500 हमारी सीता का। इनका टोटल अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे, इनका टोटल अमाउंट जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक। और फिर आपका कैश अकाउंट यहाँ पे कितना आ रहा है, कैश अकाउंट आपका जो है बैलेंस सीडी में कितना अमाउंट आया, बैलेंस सीडी में कितना आ रहा है 24,300। आपकी इस वाली बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमने निकाल ली है इसकी एग्जैक्ट बैलेंस, तो कितना है 24,300। संडे डेटर्स हमको पहले कितने में थे, हमारे पहले कितने थे 14,500 थे, 14,550 थे, लेकिन उसमें का प्रोविजन बन गया, कितने का प्रोविजन बना 728 का। 728 रुपए आप इसमें से क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तब यहाँ पे मेंशन करोगे कितना आपके पास अब बची आपके पास डेटर्स। यानी कि 13,822, ठीक, इतना आपका अमाउंट सन्ड्री डेटर्स का बचा, ठीक है। फिर आपको स्टॉक दे रखा है, स्टॉक कितना दे रखा है आपको 30,000 दे रखा है, 30,000 हमको स्टॉक दे रखा है, लेकिन बोला गया है कि 30,000 स्टॉक में से 3% रिड्यूस हुआ है, यानी कि 3,000, तो यहाँ पे कितना कम हुआ, 30,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिए, आपके पास कितनी आ जाएगी 27,000। उसी तरीके से आप प्लांट एंड मशीनरी की भी कर लोगे। प्लांट एंड मशीनरी हमको कितनी दे रखी थी, हमारी 52,500 दे रखी थी, ठीक है, 500 दे रखी थी, इसमें से आप 50 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 47,250, ठीक। उसी तरीके से आप क्या करोगे, बिल्डिंग अकाउंट आपको कितनी दे रखी है, बिल्डिंग आपकी कितनी दे रखी थी, आपकी हमको 75,000 दे रखी थी, लेकिन उसका जब हमने एप्रिसिएशन निकाला तो हमें पता चला क्या कि उतनी हमारी क्या हुई 15,000 से वो अप्रिशिएट हुई, यानी कि 75 में आप 15,000 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 90,000, ठीक है। अच्छा,
एक चीज और आपको मेंशन है कि इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है ना, हमने यहाँ पे शो किया है, तो ये आपकी यहाँ पर भी मेंशन होगी। कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी मेंशन होगी? ₹2100। इन्होंने पहले नहीं मेंशन किया था, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला गया है कि इसका अकाउंट है भी और आपको क्या करना है, मेंशन करना है, तो आप मेंशन कर दोगे। फिर आप क्या कर दोगे, इन सब की टोटलिंग कर लोगे, तो आपका बैलेंस इक्वल आना चाहिए। अगर आपका बैलेंस इक्वल आता है, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके करिएगा, तो फिर आपको बैलेंस आपको पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस सही आ रहा है कि नहीं। ये होता है जब हमारी कोई एसेट्स या हमारी लायबिलिटी छूट जाती है, तब हम क्या करते हैं, उसको जहाँ शो करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो वहाँ पे भी शो करते हैं। बाकी जो अगर हमारी एसेट्स छूट गई है, तो उसको हम लायबिलिटी, सॉरी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। अगर कोई लायबिलिटी छूट गई है, तो उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। हमें ये चीज़ भी पता है कि अगर हमें एडजस्टमेंट में कोई भी अमाउंट दे रखा है, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, तो वो हमारी दो जगह मेंशन होती है, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट दे रखी थी, मेंशन नहीं थी बैलेंस शीट में, लेकिन उसको हमने कहाँ कहाँ मेंशन किया, हर एंट्री को हमने दो जगह मेंशन किया, एक इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में। फिर अभी आप देखो, आपने जो भी आपको स्टॉक पे रिडक्शन दे रखा था, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन किया और यहाँ पे भी रिड्यूस किया, ठीक है। उसी बेस पे आपको जो आपकी जो कैपिटल गुडविल आई थी, गुडविल आपने यहाँ पे भी मेंशन किया, आप यहाँ पर भी मेंशन करोगे, लेकिन यहाँ पे आप मेंशन करोगे, आपकी फिर विड्रॉ भी हो रही है, तो मेंशन करने का कोई मतलब ही नहीं, आपकी अमाउंट यही आनी चाहिए, ठीक है। आई विश आपको ये मेथड और ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी अकाउंट की, कि किस टाइप से हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। बाकी हम इससे रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी क्लासेस करनी है, गूगल मीट पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को, हम सबको कोर्स करा रहे हैं, कंप्लीट करा रहे हैं, वो अपना कोर्स कंप्लीट भी कर रहे हैं। इसी टाइप से अपने कोई डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अपने क्वेश्चंस भी हमसे पूछते हैं, उनको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कराते हैं हम, उनके सॉल्यूशंस को हम सॉल्व करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आप भी ऐसी क्लासेस करना चाहते हैं, तो गूगल मीट पर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।